मुंबई देश का ऐसा महानगर है जहां एक नई सड़क बनाना मतलब नामुमकिन काम की तरह है, क्योंकि वो मुंबई जो है ना वो ऐसे सीधे सड़क से कनेक्टेड है। कहां बनाइएगा, इतना ट्रैफिक जाम वहां ऐसे ही थोड़ी होता है। समंदर के किनारे बसा हुआ है, वहां ऐसी कोई जगह ही नहीं बची है जहां नए सिरे से सड़क बनाई जा सके। इसलिए इंजीनियर्स की टीम ने मुंबई में अंडर वाटर टनल पर काम शुरू कर दिया। मतलब उनको लगा कि अब यहां तो कहीं जगह बची नहीं, कहां सड़क बनाएंगे, तो समुद्र के नीचे सड़क बना दो। यानी जमीन खत्म हो गई तो समंदर में ही सड़क बना डाली गई। इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के तहत मरीन ड्राइव के पास एक रोड बनाई जा रही है, टनल की तरह की रोड टनल बनाई जा रही है, टनल रोड बनाई जा रही है, जिसका एक हिस्सा समंदर के नीचे से होकर गुजरेगा। इससे मुंबई को ट्रैफिक जैम से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इस अद्भुत प्रोजेक्ट के बारे में आपको विस्तार से बताता हूं, क्योंकि पहली बार देश देखेगा कि समुंदर के नीचे से सड़क जाएगी। दरअसल ये प्रोजेक्ट जो है वो दो हिस्सों में बन रहा है। इसमें पहला हिस्सा मरीन ड्राइव से बांद्रा और वर्ली सीलिंग तक जाएगा और दूसरा हिस्सा बांद्रा वर्ली सीलिंग से कांदीवली तक बनाया जाएगा। मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सीलिंग वाला पहला हिस्सा करीब 10.5 किलोमीटर का है और इसमें सड़क का 8 किलोमीटर हिस्सा पिलर्स पर और करीब 2 किलोमीटर हिस्सा पानी के नीचे टनल में बनाया गया। मतलब 10 किलोमीटर की सड़क है तो वो सब समुद्र के नीचे से नहीं गई है, 8 किलोमीटर जो है वो पिलर पर है, ऊपर ऊपर चल रहा है। 2 किलोमीटर जो सड़क है वो समुद्र के नीचे से टनल में से होते हुए गुजरेगी। ये टनल मरीन ड्राइव से आगे गिरगांव चौपाटी से शुरू होगा और मालाबार हिल के नीचे से गुजरता हुआ प्रदर्शनी पार्क पर बाहर निकल जाएगा। इस टनल की लंबाई 2 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन समंदर के नीचे से गुजरने वाला हिस्सा करीब 1 किलोमीटर लंबा है। मतलब वहां पहले सड़क पर है, वहां से भी आप नीचे आना शुरू कीजिएगा तो तुरंत समंदर के नीचे नहीं जाएगा, कुछ देर पहले आप जमीन के नीचे गए उसके बाद आप समंदर के नीचे जाइए। और ये समुद्र तल से 17 से 20 मीटर नीचे इस हिस्से में 3 टनल बनाई गई। इसमें पब्लिक के लिए 2 टनल चलेगी जबकि तीसरी टनल सिर्फ इमरजेंसी या बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होने पर ही इसे खोला जाएगा। इस प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा पूरा भी हो चुका है और उम्मीद है कि इस साल नवंबर में इस टनल को खोल दिया जाएगा। इसे पूरे प्रोजेक्ट में जो पैसा लग रहा है वो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो संभव है कि नवंबर आते आते आप मुंबई जाएंगे और कहेंगे जरा वो समंदर के नीचे वाली सड़क से दिखाना जरा कैसा लगता है। लेकिन इसको बनाने में क्या कमाल की टेक्निक लगी आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि इस बजट का जो 12,000 करोड़ आप देख रहे हैं इसका बड़ा हिस्सा उस मशीन पर खर्च हो गया जिसने ये टनल बनाई। अब आप क्या सोच रहे हैं, लोग गए पानी के नीचे समंदर के नीचे खोद रहे हैं, कैसे होगा ऐसा? आप उस मशीन के बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे जिसकी वजह से और जिसके जरिए ये समुद्र के नीचे सड़क बन। लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ और बातें सुन लीजिए। यह प्रोजेक्ट मुंबई का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है क्योंकि देश में अभी तक ऐसी कोई सड़क ही नहीं जो समंदर के नीचे से होकर गुजरे। इससे मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली सीलिंग तक करीब 1 घंटे का सफर 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, मात्र 15 मिनट। तो अगर आप देखेंगे यहां, अगर आप तस्वीर डालेंगे कि कितनी बड़ी, मुंबई के लोगों से पूछिए ना भाई जो रोज जाम में फंसते हैं, मुंबई में जो लोकल में लोग जो हैं वो इतना भर भर के जाते, क्यों जाते? क्योंकि सड़क पे जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, वहीं पत्ते खेल लेते हैं, वहीं सब्जी लेके जाते हैं, काट लेते हैं, सब करते हैं। अब ये हो जाएगा तो कोई भी चला जाएगा। अब इसको जरा देखिए, ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का पार्ट वन आपको दिखा रहा हूं। ये मरीन ड्राइव से शुरू हो रहा है, ये देख रहे हैं मरीन ड्राइव, जूम करके दिखाओ ना जी। तो ये मरीन ड्राइव से आप देख रहे हैं, जहां पे मरीन ड्राइव पे आप जाते हैं कहते हैं बड़ी अच्छी हवा चल रही है, तो वहां से शुरू होगा और गिरगांव चौपाटी यहां जब आप पहुंचेंगे, मरीन ड्राइव से होते होते यहां जब पहुंचेंगे तो यहां से टनल शुरू हो जाएगा। फिर आएगा मालाबार का हिस्सा, मालाबार हिल का हिस्सा, प्रियदर्शनी पार्क, यहां पर आकर टनल खत्म हो जाएगा और उसके बाद हाजी अली दरगाह और यहां वर्ली सीलिंग तक, यहां तक इसको जाना है। ये देख रहे हैं हिस्सा, तो इस तरह से इसको बनाया गया। इसके बाद इस सड़क को कांदीवली तक पूरा किया जाएगा। इस पूरी सड़क की लंबाई लगभग 32 किलोमीटर होगी जब ये फाइनली बन जाएगी। और अभी जब आप ये पूरा हिस्सा कवर करते हैं तो करीब घंटे भर का वक्त लग जाता होगा। कहा जा रहा है कि जब ये बन जाएगा तो मात्र 15 मिनट में काम खत्म, निकले चल दिए। आप सोचिए समंदर के किनारे ऊंची लहरों के बीच इस सड़क और टनल को बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा।
इसके लिए सड़क के किनारे पर 8 मीटर ऊंची दीवार भी बनाई जा रही है, जो हाई टाइड के दौरान सड़क को पानी की तेज लहरों से बचाएगी। इस प्रोजेक्ट की कई और खासियतें भी हैं। इसमें सिर्फ सड़क या टनल ही नहीं बनाई गई, इसमें समंदर के किनारे 8 किलोमीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा सी ट्रैक भी बनाया जाएगा, ताकि लोग समंदर के किनारे आराम से घूम सके। साइकिल ट्रैक भी है, ओपन एयर थिएटर की भी सुविधा होगी। इसके अलावा 1800 गाड़ियों के लिए 4 अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाएगी। इस सड़क से करीब 1 घंटे का सफर 15 मिनट में पूरा होने से 35% फ्यूल भी बचेगा। इस कोस्टल रोड पर 3 इंटरचेंज और हाजी अली इलाके के पास 8 लेन वाला फ्रीवे होगा, यानी यहां से मुंबई की 8 अलग अलग सड़कों पर जाया जा सकता। यह पूरा प्रोजेक्ट जब पूरी तरह बनकर तैयार होगा तो मुंबई की एक शानदार तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन इसकी पहली झलक इसी साल नवंबर में दिख जाएगी। इस सड़क की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ मुंबई को भयंकर ट्रैफिक जैम से ही मुक्ति नहीं देगा, यह सड़क मुंबई शहर के करोड़ों अरबों रुपए भी बचाएगा। कैसे, वो भी समझ। कहा जाता है कि जो ट्रैफिक जैम होता है, भाई मुंबई में ट्रैफिक जैम सबसे कॉमन बात है, तो जो ट्रैफिक जैम से मुंबई का नुकसान, ट्रैफिक से मुंबई का नुकसान, ये अपने आप में जैसे ही आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि बॉस ये 12,000 करोड़ जो लग रहे हैं सब एक एक पैसा वसूल हो जाने वाला है। कुल वाहन मुंबई में कितने हैं? कहा जाता है कि मुंबई में करीब 43 लाख वाहन है, 43 लाख, और हर साल नए वाहन कितने आ रहे हैं उनके लिए कहा जाता है, ये करीब करीब 2.5 लाख नए वाहन हर साल जुड़ रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि अगर इस गति से बढ़ेंगे तो क्या ही होगा मामला। ट्रैफिक जैम में जो समय बर्बाद होता है, एक आदमी का समय बर्बाद ट्रैफिक जैम में, वो 11 दिन हर साल हो जाता है। हर साल मतलब आप जो है वो 365 दिन का जो साल होता है उसमें मुंबई के लोगों के लिए वो 365 दिन में से वो 354 दिन ही जीते हैं, क्योंकि 11 दिन तो वो ट्रैफिक जैम में चला जाता है उनका, करीब 264 घंटे। और कुल नुकसान देखेंगे आप जो मुंबई का हो रहा है हर साल जो होता है वो करीब करीब 41,000 करोड़ रुपए का हो रहा है, 41,000 करोड़ सालाना। तो अब आप बताइए, एक साल में जहां 41,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है वहां 12,000 करोड़ रुपए लगाकर ये सड़क बनाना, कितना ही पैसा हर साल बचेगा। लेकिन मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट आने के बाद मुंबई के एक बहुत बड़े हिस्से में ट्रैफिक से राहत मिलेगी, इससे टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी। अब आपको इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े सुपरस्टार से मिलवाता हूं, जिसके बिना यह प्रोजेक्ट पूरा होना संभव ही नहीं, और ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक मशीन है जिसके बिना इस टनल को बनाना नामुमकिन हो जाता। ये वो मशीन है भाई, आपको फोटो में देखने में इतनी सी लग रही है लेकिन ये इतनी विशालकाय मशीन है, और वो कैसे समुद्र के नीचे खोद रही है और सड़क बनाती जा रही है वो आज आपको वीडियो में भी दिख रहा है, और उसकी डिटेलिंग भी मैं देता हूं। इसका नाम है मावला, जो एक TBM यानी टनल बोरिंग मशीन है। इसी मशीन की मदद से खुदाई करते हुए ये टनल बनाई गई। ये बोरिंग मशीन करीब 5 मंजिल ऊंची है, मैं कह रहा हूं ना फोटो में आपको छोटी लग रही है, 5 मंजिल ऊंची तो ये मशीन है, और इसकी लंबाई 40 फीट है। ये हर रोज 8 मीटर की खुदाई करती है, जबकि दूसरी बोरिंग मशीन 5 मीटर ही खुदाई कर पाती है। ये सुनने में आपको बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन इस 3 मीटर ज्यादा काम करने के लिए इस मशीन को चीन से मंगवाया गया है। इसे मुंबई के पोर्ट से कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने में करीब 30 से ज्यादा बड़े ट्रक लगे थे। ये इतनी बड़ी मशीन है। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि इस मशीन को असेंबल करने में ही 3 महीने लग गए। इतनी बड़ी मशीन अब 30 ट्रक में, ऐसा तो नहीं है कि 30 ट्रक खड़ा कर दिए उसमें आ रही है। अब भाई वो टुकड़े टुकड़े करके लाए, फिर इसको जोड़े, अब जोड़ने में ही 3 महीना चला गया। इतनी बड़ी मशीन है, आप सोचिए। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि ये खुदाई के साथ साथ मलबा और समंदर से आने वाले पानी को भी अलग कर देती है।
भाई खोद रही है, मलबा निकल रहा है, उधर से समंदर का पानी आ रहा है, अब दोनों मिक्स होगा तो क्या ही कांड है, समझिए। तो ये सब अलग करती चलती है। इसके अलावा टनल के अंदर लगने वाले हिस्सों को भी ये मशीन फिट कर देती है, यानी ये खुदाई से लेकर सड़क बनाने तक का काम पूरा कर देती है। भारत में भी अब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये तो एक प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूं, वरना कुछ समय पहले तक इस तरह का काम सिर्फ विदेशों में ही देखने को मिलता था। लेकिन आज इंडिया में क्या से क्या कमाल चीज हो रही है। जैसे ये आपने सुना, समुद्र के नीचे सड़क, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार। ये चिनाब ब्रिज है जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिस पर ट्रेन चलाने का ट्रायल भी हो चुका है। ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। देख रहे हैं कितना ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, और ये ब्रिज इतना मजबूत बनाया गया है कि भूकंप आए, तेज हवा के झटके हों, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इस पुल को 260 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस पुल को कभी जंग नहीं लगेगा। ये ब्रिज औपचारिक तौर पर जल्दी खुल सकता है, और इस पर वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन को भी चलाया जाएगा। तो मतलब इंडिया में झकाझक चीजें हो रही है, मन एकदम खुश हो जा रहा है। लेकिन इंडिया में इनोवेशन, तकनीक का जो मौसम था, जो सूखा था, वो तो खत्म हो रहा है।